यस तो उम्मीद करते हैं कि आप जो है अच्छे से रिवीजन करके आए होंगे। कितने क्वेश्चन है? 15 से तो ज्यादा ही है। ठीक है, हर साल मिनिमम एक क्वेश्चन मैक्सिमम दो क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक से। किसी किसी ईयर में पूछा गया है, किसी मतलब सॉरी मैक्सिमम ईयर में पूछा गया है, किसी किसी ईयर में स्किप हुआ है। ठीक है, और पहले तो एक ही शिफ्ट में पेपर होता था, इसीलिए एक साल में एक ही क्वेश्चन आई मीन टू से एक शिफ्ट में एक एग्जाम के टाइम पे यानी एक बैच पे एक ही क्वेश्चन देखने को मिलता था। अब तो दो शिफ्ट में होने लगे हैं, और अगर टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो आपको दोनों ही शिफ्ट में उससे क्वेश्चन मिल जाता है। ओके तो अच्छा, पहले मैं बता दूं, क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तो पोल का सिस्टम हमारा अपडेट नहीं हुआ है, उस पर काम चल रहा है, टीम काम कर रही है उसको बनाने में। तो अभी के लिए आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि जब तक मैं ना कहूं आप कमेंट सेक्शन में यानी चैट बॉक्स में आंसर नहीं लिखेंगे। आपको डन 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 ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि क्वेश्चन छोटा है तो कितना टाइम देना है, क्वेश्चन बड़ा है तो कितना टाइम देना है। जितना टाइम मैं दूंगी उतने ही टाइम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अनवांटेडली अपनी एनर्जी डन लिखने में, हो गया मैम आंसर दे दे मैम, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। शांत दिमाग से सिर्फ पूरा जो आपका फोकस है वो क्वेश्चन पे लगा के रखिएगा। कुछ लिखने की जरूरत नहीं है जब तक मैं ना कहूंगी हाँ आंसर बताइए, तब आप कमेंट सेक्शन में जो है अपना आंसर पोस्ट कर सकते हैं। और जिन बच्चों को दिक्कत होती है चैट बॉक्स से, जो चैट बॉक्स में आंसर नहीं देना चाहते हैं, वो अपने पास एक पेज रखें और इवैल्यूएट करें कि वो कितने क्वेश्चन सही करेंगे। ठीक है, ये रिक्वेस्ट है। और प्लीज कोई यहाँ पे बच्चा ओवर स्मार्ट ना बने, अनवांटेडली जो है आंसर या कोई और कमेंट जो है चैट बॉक्स में ना पोस्ट करे। ठीक है, आप इतने मेच्योर हैं कि आपसे एक रिक्वेस्ट की जा रही है तो आप उस रिक्वेस्ट को जो है थोड़ा रिस्पेक्ट देंगे। यस, तो प्लीज कोई ओवर स्मार्ट यहाँ ना बने, वरना हमने जो है उसका एंटीरियर पोस्टीरियर डोर्सल वेंट्रल जो है सारा एक्सेस खराब कर देना है हमने। चलो तो पहला सवाल आपके सामने, तो बोला गया है क्वेश्चन में यहाँ पे एंटीरियर पोस्टीरियर लिम्ब एक्सिस एंड डोर्सल वेंट्रल नर्व प्लेट इज डिटरमाइंड बाय। ठीक है, अब ये वाला चीज तो नहीं पता है फिलहाल में, अभी तक हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है, फ्यूचर में आएगा ये। एपी एक्सिस तो पढ़ा है, तो एपी एक्सिस पढ़ा है, और अगर मैं यहां पे देखती हूं तो भाई बाइकॉइड तो ड्रोसोफिला में आता है, पैक्स थ्री मैंने आईलेंस में देखा था, कैप्टस भी मुझे ड्रोसोफिला मिलेगा। मतलब मैंने इसमें से अभी कुछ नहीं पढ़ा है फिलहाल की बात की जाए, लेकिन सेकेंड ऑप्शन ऐसा है जो कि मैंने पढ़ा है। यानी सेकेंड ऑप्शन क्या करता है, हम इसके लिए तो श्योर है कि सेकेंड ऑप्शन जो है यानी सोनिक हेजहॉग ये एपी एक्सिस को बनाता है। एपी एक्सिस किसका बनाता है, दैट इज लिम्ब का बनाता है ये, राइट? तो इस तरीके से वी कैन गो विद द सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, चलो अगला सवाल। इसके लिए यू विल बी गेटिंग 2 मिनट्स, एक एक वर्ड पे आपका ध्यान रहना चाहिए क्या क्या बोला जा रहा है। आंचल माही क्या हुआ जी, हमें भी बताइए क्या दिक्कत हो रही है, कमेंट सेक्शन में क्यों आपके रिस्पॉन्स आ रहे हैं, कोई दिक्कत है हमें बताइए, हम उस दिक्कत को थोड़ी और बढ़ा देते हैं। लास्ट 40 सेकेंड्स लेफ्ट। ओफिलिया जस्ट आई हैव मेंशन नॉट टू आंसर इन चैट बॉक्स, ओके आंसर नाउ, लेट्स सी क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द टेट्रापॉड लिम्ब फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट विल विजुअलाइज्ड। कुछ यहाँ पे टेट्रापॉड लिम्ब से रिलेटेड, प्रॉक्सिमल डिस्टल ग्रोथ से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं, आपको क्या बताना है। विच वन ऑफ द अबव वुड शो द पॉसिबल इंट्रैक्शन बिटवीन द AER एंड लिम्ब मेसेनकाइम डायरेक्टली बीनीथ इट ड्यूरिंग द लिम्ब डेवलपमेंट। पॉसिबल इंट्रैक्शन यानी एक तरीके से यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट की बात की गई है कि बताइए करेक्ट क्या होगा। पहला, इफ AER is removed at any time during the limb development, further development of distal limb skeletal element ceases.
देखिए, ये स्टेटमेंट जनरल था या स्पेसिफिक था? ये स्टेटमेंट स्पेसिफिक था। इसमें अच्छे से मेंशन किया है कि डिस्टल पार्ट मिसिंग हो जाएगा, डिस्टल पार्ट नहीं बनेगा। आपको याद आ रहा होगा वो डायग्राम जिसमें हमने देखा था कि प्रॉक्सिमल एरिया तो बन गया था, डिस्टल एरिया नहीं बना था, राइट? तो देखा जाए तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है, ट्रू मैं ट्रू होगा। सेकेंड देखिए, इफ द लेग मेसेनकाइम इज प्लेस्ड डायरेक्टली बीनीथ द विंग एआर, यानी विंग एआर है उसके जस्ट बीनीथ एरिया में हमने लेग मेसेनकाइम डाल दिया तो क्या बनेगा? तो हमें मिल रहा था प्रोक्सिमल एरिया में विंग्स और डिस्टल एरिया में लेग। लेग यानी डिस्टल एरिया में हमको हाइंड लिम मिल रहा था, राइट? स्ट्रक्चर डेवलप एट द एंड ऑफ द लिम, बिल्कुल सही, ट्रू। ये भी स्पेसिफिक बेसिस पे पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, इफ एन एक्स्ट्रा ए आर इज ग्राफ्टेड ऑन टू एन एग्जिस्टिंग लिम्बर्ड, एग्जिस्टिंग लिम्बर्ड पे अगर आपने एक्स्ट्रा ए आर ग्राफ्ट कर दिया, आपको सुपर न्यूमरेरी स्ट्रक्चर फॉर्म होता हुआ मिलेगा, यूजुअली एट द एंड ऑफ द लिम्ब। सुपर न्यूमरेरी स्ट्रक्चर एट द एंड ऑफ द लिम्ब यानी डिस्टल पार्ट का डुप्लीकेशन हो रहा था। याद आ रहा है सारा डायग्राम हमने देखा था, राइट? तो ये क्या हो गया, ये भी जो है ट्रू हो गया। फोर्थ देखिए, इफ द लेग मेसेनकाइम इज प्लेस डायरेक्टली बीनीथ द विंग एआर, प्रोक्सिमल हाइंड लिम, प्रोक्सिमल एरिया में हाइंड लिम बनेगा, नहीं, डिस्टल एरिया में हाइंड लिम बनेगा। देखिए, प्रोक्सिमल वर्ड के कारण पूरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तो देखा जाए तो ये गलत देके रखा है, हेंस ए बी सी, ये तीनों स्टेटमेंट सही है, यानी फोर्थ स्टेटमेंट सही है। चलो अगला सवाल, यू विल बी गेटिंग 1.5 मिनट्स फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, आंसर नाउ। दुर्गा, रिकॉर्डिंग जब आप देखते हैं तो आपको जो है एक छोटा सा इस टाइप का स्टार बटन मिलता है, ऐसा वाला, उस पर क्लिक करेंगे तो उस पर ऑप्शन आता है कितनी स्पीड में आपको देखना है। वो जो बटन होता है वो सेटिंग का बटन है, उस पर आप क्लिक करेंगे, आपके पास ऑप्शन आएगा कौन सी स्पीड में देखना है, वो ऑप्शन क्लिक कीजिए, आप उसी स्पीड में देख सकते हैं। चलो, ऐप में जाइए, टेलीग्राम पे अगर आप जुड़ गए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं जुड़े होंगे तो गिवन हेल्पलाइन नंबर पे अपने पेमेंट का प्रूफ दे दीजिएगा ताकि पता चले कि आप पेड सब्सक्राइबर है, उसके बाद वहां से जो है आपको गाइडेंस मिल जाएगी। ओके, क्वेश्चन क्या बोला गया है यहाँ पे देखिए, बढ़िया सा क्वेश्चन है। अ सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट दैट वेर कैरिड आउट टू डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ एपिकल एक्टोडर्मल रिज एआर ऑफ द चिक लिम्ब बर्ड ऑन द अंडरलाइंग मेसेनकाइमा लिस्टेड बिलो अलॉन्ग विद देयर एक्सपेक्टेड आउटकम। वो जो एआर ग्राफ्टिंग वाला एक्सपेरिमेंट था ना, उसी पे सवाल आया है। ये सीएसआर का फेवरेट है, जो एआर ग्राफ्टिंग वाला एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमें चार पांच अलग अलग एक्सपेरिमेंट देखा था, वो सीएसआर का फेवरेट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन भी उसी से आया है, पिछला क्वेश्चन भी उसी से आया था, आपको क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। बोला गया है पहला ऑप्शन में, रिमूवल ऑफ एआर ऑफ फोर लिम्ब लीड टू द सीजेशन ऑफ लिम्ब डेवलपमेंट, यानी अगर आप एआर को फोर लिम्ब से हटा दो, लिम्ब डेवलपमेंट रुक जाएगा। यस, ट्रू है ये। नेक्स्ट, इफ एक्स्ट्रा ए आर इज प्लेस्ड इन द फोर लिम बर्ड, फोर लिम बर्ड पे अगर आप एक्स्ट्रा ए आर लगा देंगे, डुप्लीकेशन हो जाएगा डिस्टल रीजन का, और इसके रिजल्ट में जो है विंग्स देखने को मिलेगा, यानी विंग्स में डुप्लीकेशन देखने को मिलेगा। देखा जाए तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, बिल्कुल होगा। तीसरा देखिए, अगर हम एक एक्स्ट्रा ए आर प्लेस कर दे फोर लिम बर्ड पे तो लेग डेवलप हो जाएगा विंग्स के बदले, नो भाई, गलत बोला है, फॉल्स। ए सही है, बी सही है, सी गलत है। देखिए यहाँ पे भी ए बी कॉम्बिनेशन नहीं है, ये भी ए बी कॉम्बिनेशन नहीं है, इधर भी नहीं है। देखिए फोर्थ ऑप्शन में ए बी का कॉम्बिनेशन है, और अभी तक हमने सिर्फ तीन स्टेटमेंट सॉल्व किया है। डी देखिए क्या बोला है, इफ ए आर ऑफ फोर लिम बर्ड इज रिप्लेस्ड, ए आर को हटा के अगर आप यहाँ पे एफ जी एफ बीट्स डाल दें, एफ जी एफ बीट्स में भी इसने एफ जी एफ टू यूज किया है, ठीक है, हमको जैसे पता है रिडंडेंट फंक्शन होता है एफ जी एफ का, रिपीटेटिव फंक्शन रखते हैं, तो अगर आप वहां पे बीट्स डाल दे तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल विंग्स डेवलप हो जाएगा, बिल्कुल सही, ट्रू बोला है, क्योंकि फोर लिम के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एआर को हटा के एफजीएफ जब तक आप नहीं डालोगे, क्योंकि एफजीएफ क्या कर सकता है, सब्स्टिट्यूट कर सकता है एआर की कमी को, राइट? तो विंग्स डेवलप हो जाएगा, बिल्कुल सही है। लास्ट में बोला है, अगर नॉन लिम मेसेनकाइम को हम प्लेस कर दे एआर के बिलो, तो एआर जो है उस मेसेनकाइम को डायरेक्ट करेगा ताकि वो विंग्स बना ले, नहीं, नॉन लिम मेसेनकाइम कैसे विंग्स बनाएगा, लिम्ब फॉर्मिंग मेसेनकाइम विंग्स बनाएंगे ना, हाइंड लिम्ब बनाएंगे, नॉन लिम्ब वाला तो बनाएगा नहीं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया फॉल्स। तो इस तरीके से देखा जाए तो ए सही है, बी सही है, और डी सही है, यानी फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। अगला सवाल, वन एंड हाफ मिनट्स।
होपफुली क्वेश्चन इजी लग रहे होंगे, अच्छे लग रहे होंगे। ओके आंसर नाउ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। द प्रोक्सिमल डिस्टल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द टेट्रापॉड लिम्बर्ड आर मेड पॉसिबली बाय सीरीज ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द एपिकल एक्टोडर्मल रिज एंड द लिम्बर्ड मेसेनकाइम डायरेक्टली बीनीथ इट। सम ऑफ द इंटरेक्शन परफॉर्म इन चिक चिक इन चिक डेमोन्स्ट्रेट द फॉलोइंग रिजल्ट। आपको क्या बताना है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला है, व्हेन द एईआर वाज रिमूव्ड एट एनी टाइम ऑफ डेवलपमेंट फर्दर डेवलपमेंट ऑफ डिस्टल लिम्ब स्केलेटल एलिमेंट सीज। ये पहला स्टेटमेंट जो है ये पूरा रिपीट हुआ है 2012 के क्वेश्चन के साथ, तो ये क्या है, ये ट्रू है। अगर आपको एईआर आप कभी भी हटा दो, आगे का डेवलपमेंट सीज हो जाएगा, रुक जाएगा। नेक्स्ट, द लेग मेसेनकाइम वॉज प्लेस डायरेक्टली बीनीथ द विंग एईआर, डिस्टल हाइंड लिम्ब स्ट्रक्चर डेवलप एट द एंड ऑफ विंग। यस बिल्कुल सही, ट्रू है ये। डिस्टल एरिया में जो है आपको हाइंड लिम्ब मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हेन द लिम्ब मेसेनकाइम वॉज प्लेस्ड बाय नॉन लिम्ब मेसेनकाइम बीनीथ द एईआर, द लिम्ब स्टिल डेवलप। नो, लिम्ब डेवलप नहीं करेगा। When an extra AER was grafted onto existing limb bird, the development of limb ceases. नहीं भाई, duplication होगा wings का। False. तो A और B यहाँ पे सही हो जाता है, that is first option. अगला सवाल। You will be getting 1 minute for this question. रोहित चौधरी एंड रश्मि मिश्रा, आप लोग बड़ी जल्दबाजी में मालूम होते हैं, कहीं जाना है आपको। अलीशा, बृष्टि, यस आई हैव जस्ट रिक्वेस्टेड नो कि जब तक मैं ना बोलूं कमेंट सेक्शन में आंसर मत दीजिए। चलिए पोस्ट योर आंसर। फॉर्मेशन ऑफ डिजिट एंड स्कल्पिंग ऑफ टेट्रापॉड लिम्ब रिक्वायर्ड डेथ ऑफ स्पेसिफिक सेल इन द लिम्ब in a programmed manner. Which one of the following interaction could explain proper limb formation? कौन सा यहाँ पे इंट्रैक्शन प्रॉपर लिम्ब के फॉर्मेशन को बताएगा? तो देखिए, पहले बोला है कि BMP along with FGF, this will going to activate DKK1 and DKK1 will lead to the apoptosis. Yes, this is true. ये तो अभी true दिख रहा है apoptosis वाले पाथवे। नेक्स्ट देखिए, BMP along with WNT beta cat that will lead to the cartilage formation. ये भी सही लग रहा है, यानी पहला ही स्टेटमेंट जो है हमको सही लग रहा है। पहला स्टेटमेंट मतलब कि पहला जो पाथवे दिया है वो हमको ठीक लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, BMP बोल रहा है कि BMP WNT को एक्टिवेट करवाएगा, फिर वो DKK1 को अलग से एक्टिवेट करवाएगा और BMP कार्टिलेज के फॉर्मेशन को रोक देगा। ये गलत। ये भी देखिए, ये भी पाथवे अलग ही चल रहा है। FGF DKK1 को डायरेक्टली एक्टिवेट कर रहा है, BMP DKK1 को रोक रहा है, जो कि अगेन गलत। यहाँ पर WNT बीटा कैट BMP को रोक रहा है, अगेन गलत। ये DKK1 को भी रोक रहा है, अगेन गलत। तो हमने ये वाला पाथवे पढ़ा था, राइट? अगर आप ध्यान दें तो जो पाथवे हमने आज पढ़ा था पूरा उसी को कॉपी पेस्ट कर दिया है, यहाँ पे कुछ अलग से नहीं किया है। मुरारी जी, क्या पढ़ रहे हैं जी? फोर्थ ऑप्शन का आंसर, फोर्थ ऑप्शन आंसर में बता रहे हैं। चलिए 40 seconds फॉर दिस क्वेश्चन। अंजीव श्रद्धा, आपका कमेंट शो हो रहा है। ओके आंसर नाउ। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एपिकल एक्टोडर्मल रिज यानी AER इंडक्शन इज एसेंशियल फॉर टेट्रापॉड लिम्ब डेवलपमेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ फंक्शनल लिम्ब। आपने अभी पूरा लिम्ब डेवलपमेंट डन कर लिया, राइट? आपको बताना है इनमें से कौन सा फैक्टर एसेंशियल नहीं है फंक्शनल लिम्ब बनाने के लिए। पहला है TVX जीन एंड WNT। बिल्कुल, हमने इन दोनों का रोल देखा था जब लिम्ब बर्ड जो है, लिम्ब बर्ड डेवलप हो रहा था उस टाइम पे, दैट इज हाइंड लिम्ब एंड फोर लिम्ब दोनों के केस में देखा था। एंड्रोस्टेरोन का हमने कहीं रोल नहीं देखा अभी तक। एपोप्टोटिक जीन का रोल हमने कब देखा था, जब ऑटोपोड का स्कल्पिंग चल रहा था, राइट? स्कल्पिंग के टाइम पे जो एपोप्टोसिस होगा, तो उस एपोप्टोसिस में क्या होगा, एपोप्टोसिस में एपोप्टोटिक जीन एक्टिवेट होंगे, तभी तो सेल डेथ होगा, तभी तो सेल डेथ होगा, राइट? तो एपोप्टोटिक जीन भी हम जीन को कंसिडर करें क्योंकि वहां एपोप्टोसिस हो रहा है। TVX जीन भी काम करेगा। फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर ऑफकोर्स, ये लिम्ब बर्ड से लेके लास्ट तक एक्सेस फॉर्मेशन तक इसने मदद किया है।
ये सारे फैक्टर हेल्प करेंगे, जो एसेंशियल नहीं है वो कौन सा है, वो है एंड्रोस्टिरोन, दैट इज सेकेंड ऑप्शन, ऑड वन आउट, गयो। अगला क्वेश्चन 40 सेकेंड्स। ओके आंसर नाउ। क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट वुड हैपन एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट इन चिक एम्ब्रियो वेयर द लेग मेसेनकाइम इज प्लेस्ड डायरेक्टली बीनीथ द विंग एपिकल एक्टोडर्मल रिज। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये वाला बनेगा कि स्टार्टिंग में जो है विंग्स बन जाएगा इस तरीके से, और डिस्टल एरिया में क्या बन जाएगा, डिस्टल एरिया में इस तरीके से लेग बन जाएगा। ये हो गया लेग, ये हो गया विंग्स, राइट, जो कि विंग्स बनेगा कहां पे, प्रोक्सिमल में, और लेग यानी हाइंड लिंब बनेगा कहां पे, डिस्टल में। ये रिजल्ट आएगा, पढ़ाया हमने, बोला है डिस्टल हाइंड लिंब स्ट्रक्चर डेवलप एट द एंड ऑफ द लिंब, एकदम सत्य वचन, ट्रू। नेक्स्ट, कंप्लीट हाइंड लिंब विल फॉर्म इन द रीजन वेयर द फोर लिंब शुड बी। नहीं भाई, फोर लिंब भी तो बन रहा है, विंग्स भी तो बन रहा है, द फोर लिंब वुड फॉर्म नॉर्मली, नहीं आधा बनेगा वो। Neither the forelimb nor the hindlimb would form. कैसे कैसे, गलत एकदम। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। अगला सवाल 40 सेकेंड्स। ओके आंसर नाउ। क्या बात है अजय जी, अभिषेक जी, बड़े तेज मालूम होते हैं आप लोग। Which one of the following statement regarding the limb development in mice? Is true. माइस में लिम डेवलपमेंट के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, बोला है जीन इनकोडिंग TBX5 इज ट्रांसक्राइब्ड इन द लिम फील्ड ऑफ हाइंड लिम। TBX5 हाइंड लिम में बनता है, नहीं भाई फोर लिम का केस है, मैंने बताया था TBX5 फोर लिम बनाएगा, फोर हाइंड लिम बनाएगा, फोर लिम कभी नहीं बनाएगा, ये ट्रिक बताया था ना मैंने। नेक्स्ट बोल देखिए, बताया गया TBX4 जो है फोर लिम बनाएगा, अगेन गलत। बोला है स्लेट वन बोल सकते हैं, आईलेट वन बोल सकते हैं, इट्स अप टू यू। स्लेट वन, TBX4, पिट एक्स, दे आर एक्सप्रेस इन प्रिजम्प्टिव हाइंड लिम, यस हाइंड लिम में ये एक्सप्रेस होते हैं। स्लेट वन, TBX4 एंड पिट एक्स आर एक्सप्रेस इन प्रिजम्प्टिव फोर लिम, अभी बताया था फोर कभी फोर लिम में एक्सप्रेस नहीं होता, सो वी कैन गो विथ थर्ड ऑप्शन। अगला सवाल, एंड यू विल बी गेटिंग 1 मिनट फॉर दिस क्वेश्चन। अपने स्कोर्स भी चेक करते रहिएगा, कितने क्वेश्चन हम कर रहे हैं और आपकी कितनी स्कोरिंग हुई, यानी कितने सही किए आपने, एट द एंड में पूछूंगी सबसे। ओके आंसर नाउ अजय जी, कान में कार डाल के रखे हैं, कानपुर में हड़ताल चल रही है आपके, बता दीजिए जरा सा। होमियोबॉक्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर दैट इज कॉल्ड द हॉक्स जीन अप प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन स्पेसिफाइंग वेदर अ पर्टिकुलर मेसेनकाइम सेल विल बिकम स्टाइलोपॉड, जिगोपॉड, ऑटोपॉड, यानी हॉक्स जीन के एक्सप्रेशन से ये पता चलता है कि मेसेनकाइमल सेल स्टाइलोपॉड बनेंगे, जीगोपॉड बनेंगे या ऑटोपॉड बनेंगे। इसी एक्सप्रेशन के बेस पे जो है यहाँ पर मॉडल प्रपोज किया गया है हॉक्स जीन का, जो कि स्पेसिफाई करेगा लिम्ब रीजन में आइडेंटिटी को। व्हाट वुड बी द ऑब्जर्व फिनोटाइप फॉर ह्यूमन, होमोजाइगस फॉर हॉक्स D13 म्यूटेशन। असली क्वेश्चन तो यहां से शुरू होता है,
कि अगर ह्यूमन में होमोजाइगस कंडीशन में हॉक्स डी 13 का म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा? अरे भाई हॉक्स डी 13 है, 13 मतलब कि कुछ भी करो ये ऑटोपॉड में गड़बड़ी करवाएगा, राइट? और हमने ये केस देखा था कि, और इस केस में मैंने आपको डायग्राम भी दिखाया था, राइट? बोला है नो जिगोपॉड फॉर्मेशन, ऐसे कैसे? एबनॉर्मेलिटी ऑफ हैंड एंड फीट वेयर इन द डिजिट फ्यूज, एग्जैक्टली. डिफॉर्मिटीज इन स्टाइलोपॉड, नो फीमर ऑफ और पेटेला फॉर्मेशन, गलत. यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज सेकेंड, राइट? पॉलीस इन डक्टाइली कंडीशन था. चलो अगला सवाल, एंड यू विल बी गेटिंग 2 मिनट्स फॉर दिस क्वेश्चन. यस, डिजिट्स फ्यूज हो जाते हैं लेग हो या हैंड हो. ऑटोपॉड बनेगा, ऑटोपॉड नहीं बनेगा जी प्रॉपर ढंग से. ये क्या हो रहा है? मैंने आंसर देने के लिए कहा, ये जो बच्चे मस्त तरीके से जो है झूमते चल रहे हैं चैट बॉक्स में, मैंने आंसर देने के लिए कहा. अजय, श्वेता, रश्मि, नेहा, स्वाति, आशीष, प्रिया, ईशा, बगमिता, विपिन, सना, शमीमा, यस, मैंने आप लोगों को आंसर देने के लिए कहा. काजोल, मुरारी, प्रिया, वो जो वीरेन सर ने एक अच्छी सी आपको रेमेडी दी है ना, कि कान में जो रुई डाल के रखा है उसमें एक बार माचिस की तिल्ली लगा लीजिए. बात मानिए, एक बार लगा के देखिए, मजा आ जाएगा आपको भी और हमको भी, यकीन मानिए, है ना? उनकी वो रेमेडी जो उन्होंने दी है वो एक बार उसको काम में लीजिए, स्पेशली ये जो बच्चे जो इतना उछल रहे हैं मेंढक की तरह कमेंट बॉक्स में. एक बार लगा के, एक बार ये अपना के देखिए, ये रेमेडी बहुत असरदार रेमेडी, अच्छे अच्छे लोगों की मतलब बोलते ना कान और दिमाग को चलाने में बहुत असरदार है ये रेमेडी, ट्राई कीजिए एक बार प्लीज. चलिए आंसर दीजिए, अलग ही जोश में है यहाँ पे सच में. बोला गया है ड्यूरिंग द विंग डेवलपमेंट इन चिक, If AER is removed, the limb development ceases. AER अगर हटा दिया जाता है तो limb development रुक जाता है. On the other hand, placing the leg mesenchyme directly beneath the wing AER, distal hind limb structure develop at the end of the wings. तो ये जो experiment हमने किया था उसी experiment को यहाँ define किया गया कि अगर आप AER को हटा देते हैं तो limb development रुक जाएगा. अगर आप लेग मेसेनकाइम को विंग मेसेनकाइम के बीनीथ एरिया में रखते हैं तो डिस्टल पार्ट में जो है एक तरीके से लेग्स बन जाएगा और प्रॉक्सिमल पार्ट में विंग्स बन जाएगा. और अगर आप नॉन लिम्ब मेसेनकाइम को एईआर में रिप्लेस करते हैं तो एईआर रिग्रेस कर जाएगा, मतलब कि लिम्ब नहीं बनेगा. इन सारी बातों से कुछ यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन सामने आया, आपको बताना है कौन सा डेमोन्स्ट्रेशन जो है एक्सपेरिमेंट से सामने आया, कौन सा डेमोन्स्ट्रेशन सही है. ठीक है, पहला, फर्स्ट, द लिम्ब मेसेनकाइम सेल इंड्यूस एंड सस्टेन एईआर. जो लिम्ब मेसेनकाइम सेल होता है यही एईआर को इंड्यूस करता है, यानी बनाने में मदद करता है, और एईआर को सस्टेन करवाता है. सस्टेन यानी उसको एईआर की पहचान दे के रखता है. तो यस, दिस इज ट्रू, मेसेनकाइम ही ऐसा करता है, क्योंकि अगर मेसेनकाइम डिवाइड ना करे तो वो एईआर जो है मतलब एक्टोडर्म थिक होके एईआर फॉर्म में आएगा ही नहीं, और मेसेनकाइम लगातार डिवाइड कर रहा है तभी तो एईआर सस्टेन कर रहा है, यानी आउटग्रोथ बना के रख रहा है. नेक्स्ट, द मेसेनकाइम सेल स्पेसिफाई द टाइप विंग्स और लिम्ब. मेसेनकाइम सेल जो होते हैं वो स्पेसिफाई करते हैं कि विंग्स बनेगा या लिम्ब बनेगा, लिम्ब्स यानी लेग बनेगा. तो ये भी सही है, हमने यही पढ़ा था कि मेसेनकाइम सेल ही ये स्पेसिफाई करते हैं कि विंग बनेगा या लिम्ब बनेगा. नेक्स्ट, एईआर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफाइंग द टाइप विंग्स एंड लिम्ब. नो, हमने पढ़ा था एईआर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सस्टेनिंग द ग्रोथ, आउटग्रोथ को सस्टेन करने में मदद करता है, ना कि टाइप डिसाइड करने में. नेक्स्ट, एईआर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सस्टेन्ड आउटग्रोथ. देखिए अगला स्टेटमेंट वही आ गया, एंड द डेवलपमेंट ऑफ लिम्ब. बिल्कुल सही,
फोर्थ में बोला है द एआर डज नॉट स्पेसिफाई द टाइप विंग एंड लिम्ब। बिल्कुल सही, हम भी तो तब से वही बोल रहे हैं कि कोई भी एआर जो है विंग या लिम्ब बनेगा इस बात को स्पेसिफाई नहीं करता, वो सिर्फ आउटग्रोथ को सस्टेन करवाता है और लिम्ब का डेवलपमेंट करवाता है। तो देखा जाए तो सी को छोड़ के ए बी डी ई चारों ही स्टेटमेंट सही है, मतलब सेकेंड ऑप्शन सही है। इजी क्वेश्चन, अगला 40 सेकेंड्स। शार्क टैंक पे बाद में जाएगा, पहले क्लास वाले टैंक पे आइए। ह्यूमन पॉलीसिंडक्टाइली दैट इज जॉइनिंग ऑफ एक्स्ट्रा डिजिट सिंड्रोम रिजल्ट फ्रॉम होमोजाइगस म्यूटेशन एट कौन से लोकस पे होमोजाइगस म्यूटेशन के कारण पॉलीसिंडक्टाइली कंडीशन आता है। हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था हॉक्स D13, राइट। तो कौन से किस किस हॉक्स जीन के कारण आता है, किस वेरियंट के कारण आता है, दैट इज डी के कारण आता है। तो बोला एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स लोकस, नो। वन ऑफ द जीन ऑफ हॉक्स डी, बिल्कुल सही। वन ऑफ द जीन ऑफ हॉक्स सी, नो। बीटा कैटिन लोकस, बिल्कुल नहीं। आंसर हो गया 2। तो आप देख रहे हैं मजेदार क्वेश्चन भी आ रहे हैं, अटपटे क्वेश्चन भी आ रहे हैं। जैसा मैंने कहा था, जितना अच्छे से रिवाइज करेंगे आप उतना मजा आएगा क्वेश्चन करने में, क्योंकि हमने बहुत डिटेल में लिम्ब डेवलपमेंट को पढ़ा है। चलो अगला सवाल, यू विल बी गेटिंग 1.5 मिनट्स फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्या बोला गया है। सोनिक हेजहॉग स्पेसिफाई द एपी एक्सिस ड्यूरिंग द लिम्ब डेवलपमेंट, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इट इज करेक्ट। आपको सोनिक हेजहॉग से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कौन सा सही होगा। पहला, सोनिक हेजहॉग सिक्रीटिंग सेल अंडरगो एपोप्टोसिस आफ्टर परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन, इज दैट सो? क्या हमने ऐसा कुछ, अच्छा देखिए करेक्ट पूछा है, मतलब कि 3 स्टेटमेंट यहाँ गलत होगा और 1 सही होगा, सिंपल सी बात है। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट अगर देखा जाए कि सोनिक हेजहॉग सिक्रीटिंग सेल जो है उनका एपोप्टोसिस होता है फंक्शन को परफॉर्म करने के बाद, तो गलत हो गया ये। नेक्स्ट, डिसेंडेंट ऑफ सोनिक हेजहॉग सिक्रीटिंग सेल बिकम बोन्स एंड मसल्स ऑफ एंटीरियर लिम्ब, ये कब पढ़ा हमने कि सोनिक हेजहॉग के डिसेंडिंग सेल्स जो होते हैं, जो सोनिक हेजहॉग को सिक्रीट करते रहते हैं, वही आगे चल के बोन और मसल्स बनते हैं, तो फिर एलपीएम और सोमाइट्स का क्या काम है भाई, गलत। नेक्स्ट, व्हेन द जीन फॉर सोनिक हेजहॉग एंड ग्लाई3 आर कंडीशनली नॉक आउट इन द माउस लिम्ब द रिजल्टिंग लिम्ब डू नॉट फॉर्म एनी डिजिट। अब यहां पे बोला गया है कि जो सोनिक हेजहॉग और ग्लाई3 है, जब उसको आप कंडीशनली नॉकआउट कर देंगे तो कोई भी जो लिम्ब है उसमें कोई भी डिजिट नहीं बनेगा, लेकिन हमने तो पढ़ा था कि न्यूमरस डिजिट बनेगा जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं होगी, तो ये देखा जाए तो ये भी गलत। नेक्स्ट, स्पेसिफिकेशन ऑफ अ डिजिट इज प्राइमरली डिपेंडेंट ऑन अमाउंट ऑफ टाइम द सोनिक हेजहॉग जीन एक्सप्रेस्ड एंड टू अ स्मॉलर एक्सटेंट ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ सोनिक हेजहॉग प्रोटीन दैट अदर सेल रिसीव। बिल्कुल सही, ये बोली ना काम की बात कि डिजिट का स्पेसिफिकेशन प्राइमरी तरीके से किस पे डिपेंड करता है कि कितने टाइम के लिए सोनिक हेजहॉग बन रहा है, जो कि 4, 5 एंड आधा 3 में दिख रहा था, और उसके बाद डिपेंड करता है, सेकेंडरीली डिपेंड करता है कि कितना कंसेंट्रेशन सोनिक हेजहॉग का मिल रहा है, जो कि डिजिट 3 एंड डिजिट 2 में दिख रहा था और डिजिट 1 में कुछ भी नहीं। तो देखा जाए तो 4 स्टेटमेंट एकदम सही स्टेटमेंट बोला है, तो 4th हमारा सही हो गया। ये सारे पॉइंट जो है आपको नोट्स में भी इजिली मिल जाएंगे, क्योंकि बुक से डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। चलो अगला सवाल, यू विल बी गेटिंग 1.5 मिनट्स। आज के क्वेश्चन करने के बाद आपको ये भी आइडिया मिल जाएगा कि आपका फोकस कहाँ पे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा तो बहुत कुछ है, स्पेसिफिक पढ़ा है, नॉन स्पेसिफिक पढ़ा है, इंपॉर्टेंट पढ़ा है, लेस इंपॉर्टेंट पढ़ा है, टू द पॉइंट पढ़ा है, एक्स्ट्रा भी पढ़ा है, राइट। तो आपको पता चल जाएगा कि वन टाइम कंसेप्ट में किसको ध्यान देना है और मैक्सिमम किस पे फोकस करना है। बोला गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू, क्वेश्चन में ये ट्रू नॉट ट्रू करेक्ट फॉल्स ये सब वर्ड को अच्छे से पढ़िएगा कि पूछा क्या गया है रिगार्डिंग द टेट्रापॉड लिम्ब डेवलपमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो थोड़ी लेंदी लेंदी ऑप्शन है, मतलब कि आपको ध्यान से पढ़ना है ताकि एक भी गलती ना हो। नॉट ट्रू पूछा है, या नॉट ट्रू यानी 3
ऑप्शन सही होगा और एक ऑप्शन गलत होगा, हमको उसे गलत को निकालना है। पहला, एज लिम ग्रो आउटवर्ड द स्टाइलोपॉड फॉर्म फर्स्ट, यस, देन जिगोपॉड, यस, एंड देन ऑटोपॉड फॉर्म लास्ट। ठीक है, ईच फेज इज कैरेक्टराइज बाय स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ हॉक्स जीन एक्सप्रेशन। बिल्कुल सही बोला, जब लिम ग्रो होता है बाहर की तरफ, सबसे पहले स्टाइलो फॉर्म होता है, देन जीगो होता है, और लास्ट में ऑटो होता है। बिल्कुल सही, और इन सब को स्पेसिफाई करने के लिए पर्टिकुलर हॉक्स जीन का एक्सप्रेशन होता है, ये भी बिल्कुल सही। कितना बढ़िया स्टेटमेंट लिखा है, देखिए। ट्रू। नेक्स्ट, द ZPA इज मेंटेन्ड बाय इंट्रैक्शन ऑफ FGF फ्रॉम AER एंड सोनिक हेजो एक्सप्रेस फ्रॉम द मेसेनकाइम, इज दैट सो? जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी जो है वो मेंटेन किया जाता है FGF के द्वारा, जो कि AER से रिलीज किया जाता है, और सोनिक हेजॉग जो है इस मेसेनकाइम से जो है रिलीज किया जाता है। तो बिल्कुल सही, ट्रू, ये भी हमने पढ़ा है। नेक्स्ट, ऑल्दो सेल डेथ इन द लिम्ब इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिजिट्स एंड जॉइंट्स, इट इज नेवर मीडिएटेड बाय BMP। हाय राम, तो आज हमने क्या पढ़ा, इतने सारे वैरायटी ऑफ BMPs हमने पढ़ा, इतना सारा BMP का हमने झमेला देखा कि ये जो है कार्टिलेज फॉर्म करवाता है, एपोप्टोसिस करवाता है। तो बोला इट इज नेवर मीडिएटेड बाय BMP व्हिच इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंशिएटिंग मेसेनकाइम सेल इनटू द कार्टिलेज। तो इन्होंने सेल डेथ में जो है BMP का रोल ही हटा दिया। BMP ठीक है कार्टिलेज के फॉर्मेशन में मदद करता है, लेकिन सेल डेथ भी तो करवाता है। ऑफ कोर्स एपोप्टोसिस इज मीडिएटेड बाय BMP, ऐसे कैसे BMP को हटा दिया? तो ये क्या हो गया, ये हो गया फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट, द डॉर्सल वेंट्रल एक्सेस इज फॉर्म्ड इन द पार्ट बाय द एक्सप्रेशन ऑफ W27A इन द डॉर्सल पोर्शन, ठीक है, ऑफ द लिम्ब एक्टोडर्म, ठीक है, विच मेंटेन द एक्सप्रेशन लेवल ऑफ सोनिक हेजहॉग इन ZPA एंड FGF4 इन द पोस्टीरियर AER। देखिए अभी जो हमने कनेक्टिंग, याद होगा आपको कनेक्टिंग लाइन पढ़ा था हमने, एक कनेक्टिंग स्लाइड मैंने आपको दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि WNT7A डॉर्सल साइड में, डॉर्सल एक्सिस तो बनाता ही है लेकिन पोस्टीरियर साइड में ये सोनिक हेजहॉग को स्टिमुलेट करके उसका एक्सप्रेशन बनाता है और उस साइड को पोस्टीरियर की आइडेंटिटी देता है। ये आज हमने कनेक्टिंग स्लाइड में एक्स्ट्रा पोर्शन में पढ़ा था, राइट? अब देखिए ये फोर्थ ऑप्शन उसी एक्स्ट्रा ऑप्शन में से दे दिया गया है। रीड कीजिए और जाके ये स्टेटमेंट आप स्लाइड से मैच कीजिएगा, वहां पे आपको ये लाइन एग्जैक्ट ऐसे ही मिल जाएगी। तो उस एक्स्ट्रा पोर्शन में से भी क्वेश्चन में एक लाइन दे दी गई है वहां पे, क्यों? डायरेक्टली गिल्बर्ट बुक से इन्होंने उठा के क्वेश्चन बनाया है। तो जिस तरीके से मैंने नोट्स के लिए गिल्बर्ट उठाया, इन्होंने क्वेश्चन के लिए गिल्बर्ट उठाया है, इसलिए पूरा लाइन मैच हो गया एग्जैक्ट। ठीक है, तो एक्स्ट्रा पोर्शन से भी आ गया, तो देखा जाए तो ये भी ट्रू है। इन्होंने पूछा था नॉट ट्रू, तो हमें थर्ड स्टेटमेंट जो है वो नॉट ट्रू लग रहा है, तो हम थर्ड के साथ चले जाएंगे। अगला सवाल, यू विल बी गेटिंग 1.5 मिनट्स। चलिए आंसर दीजिए। ओके, तो ये मैच द फॉलोइंग पूछा गया है, रिसेंट ईयर का क्वेश्चन है 2022 का। अब आपको लिस्ट वन लिस्ट टू दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट वन में EMT, मेसेनकाइम, AER, प्रोग्रेस जोन, ZPA, ऑटोपॉड, और लिस्ट टू में उन सबके डेफिनेशन है, आपको करेक्ट मैच करना है। हम पहले अपना मैच बैठाएंगे, हम डेफिनेशन वाइज चलते हैं, आसान होगा मैच करना। बोला है फर्स्ट में द सेल फाउंड विद इन द मोस्ट पोस्टीरियर रीजन ऑफ लिम्बर्ड, मोस्ट पोस्टीरियर रीजन जो है लिम्बर्ड में, वहां पे क्या पाया जाता है? अगर हम यहाँ पे लिस्ट वन को देखें तो ZPA पाया जाता है, राइट? तो यहाँ पर E का हो जाता है फर्स्ट। नेक्स्ट, द थिकनिंग ऑफ एक्टोडर्म एट द एपेक्स ऑफ डेवलपिंग लिम्ब, एक्टोडर्म थिक होके क्या बनाता है डेवलपिंग लिम्ब में, दैट इज AER बनाता है, राइट? तो सी का हो गया, देखिए टू, सी का हो गया टू। नेक्स्ट, अ लूजली ऑर्गेनाइज्ड मेनली मेसोडर्मल एम्ब्रियोनिक टिश्यू, लूजली ऑर्गेनाइज जो है मेसोडर्मल एम्ब्रियोनिक टिश्यू, ये किसके साथ मैच होगा बताइए फटाफट से, किसके साथ मैच होगा जी?
बिल्कुल मेसेनकाइम के साथ मैच होगा, राइट। तो ये हो गया बी का, सी हो गया। नेक्स्ट देखिए, एपिथेलियल सेल मेकिंग अप द मेसोडर्म ऑफ अर्ली सोमैटोप्यूरे अंडरगो दिस ट्रांजिशन टू गेट इंक्लूडेड इन द मेसेनकाइमल सेल पूल। यानी कोई एपिथेलियल सेल है जो अपना ट्रांजिशन मेसेनकाइमल सेल में कर ले रहा है, मेसेनकाइमल सेल की फिनोटाइप ले ले रहा है। इस ट्रांजिशन को हम क्या कहते हैं? इस ट्रांजिशन को हम एपिथेलियल मेसेनकाइमल ट्रांजिशन कहते हैं, राइट, ईएमटी कहते हैं। तो ए का क्या हो गया? ए का हो गया फोर्थ। नेक्स्ट, द प्रोलिफरेटिव मेसेनकाइम दैट फ्यूल द लिम्ब बर्ड ग्रोथ। प्रोलिफरेटिव मेसेनकाइम कहां पे प्रोलिफरेशन होता है? दैट इज पीजेडएम में, प्रोग्रेस जोन ऑफ मेसेनकाइम में। तो डी का क्या हो गया? फिफ्थ। नेक्स्ट, द डिस्टल पार्ट ऑफ टेट्रापॉड लिम्ब। डिस्टल पार्ट ऑफ टेट्रापॉड लिम्ब क्या होगा? सबसे डिस्टल में हमको ऑटोपॉड देखने को मिलता है। तो एफ का क्या हो गया? एफ का हो गया सिक्स। अब मैच कर लीजिए ए का फोर। ए का फोर देखिए सिर्फ एक ही में है, ये तो इसी से आंसर सॉल्व हो गया हमारा फर्स्ट ऑप्शन। उसके बाद हमने बी का थ्री किया है, बी का थ्री यहाँ मैच हो गया। फिर हमने सी का टू किया है, सी का टू मैच हो गया। फिर डी का फाइव किया है, डी का फाइव भी मैच हो गया। ई का हमने वन किया है, ई का वन हो गया। और एफ का हमने सिक्स लिया है, एफ का सिक्स इधर भी हो गया। फर्स्ट ऑप्शन हमारा डन। अगला सवाल, यू विल बी गेटिंग 1.5 मिनट्स। ओके, यू कैन आंसर नाउ। चलो देखते हैं क्या बोला गया है क्वेश्चन। गिवन बिलो आर स्टेटमेंट रिलेटेड टू द एक्सप्रेशन ऑफ सम पैटर्न फॉर्मिंग जीन्स इन द वर्टिब्रेट लिम्बर। आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन देखिए क्या है क्वेश्चन। यहाँ तो चार स्टेटमेंट दे दिए, पांच स्टेटमेंट दिए हैं, क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन है, द नेल पिटाला सिंड्रोम इन ह्यूमन एंड द सिंड्रोम इन माउस एग्जिबिटिंग फुटपैड ऑन बोथ डॉर्सल एंड वेंट्रल सरफेस ऑफ लिम्ब आर एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द अबव मेंशन जीन फंक्शन। यानी नेल पिटाला सिंड्रोम हुआ है और आप बताइए ऊपर में से गिवन पांच ऑप्शन में से कौन सा कंडीशन या कौन सा ऑप्शन इस डिजीज के लिए, इस कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। ठीक है, पहला, LMX1 जीन इज एक्सप्रेस्ड इन डॉर्सल मेसेनकाइम। अब LMX1 भी जीन को आप डॉर्सल मेसेनकाइम में अगर एक्सप्रेस करवाते हैं तो सारा कुछ नॉर्मल रहेगा, हमें नेल पिटाला सिंड्रोम नहीं मिलेगा। हमको नेल पिटाला सिंड्रोम वाला कंडीशन ढूंढना है। तो ए जो है वो हट गया, ए हट गया। तो एक तरीके से जो है क्या बोला, LMX1B जीन एक्सप्रेस इन डॉर्सल मेसेनकाइम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, सोनिक हेजोग इज एक्सप्रेस्ड इन पोस्टीरियर रीजन। सोनिक हेजोग पोस्टीरियर रीजन में एक्सप्रेस कर रहा है, बट इसका तो कुछ लेना देना एक तरीके से नेल पिटाला सिंड्रोम से तो नहीं है। ये अपने आप में सही स्टेटमेंट है, बट इसका लेना देना नेल पिटाला सिंड्रोम से नहीं है, राइट। तो इसके लिए हम नहीं जाएंगे। नेक्स्ट, W27A जीन इज एक्सप्रेस्ड इन डॉर्सल एक्टोडर्म। W27A जीन जो है डॉर्सल एक्टोडर्म में एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक्सप्रेस हो रहा है। बिल्कुल सही, ये नॉर्मल केस है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये नॉर्मल केस है। नेक्स्ट, HOX13 एंड HOX D13 आर एक्सप्रेस इन द डिस्टल रीजन। अब देखिए ये स्टेटमेंट अपने आप में सही है, बट ये गिवन कंडीशन के लिए डॉर्सल वेंट्रल एक्सेस जो बन रहा है उसके लिए ये अप्रोप्रिएट नहीं है, राइट। तो हम इसको भी हटा देंगे। नेक्स्ट देखिए, TVX5 एंड FGF10 आर एक्सप्रेस्ड इन लेटरल प्लेट मेसोडर्म इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ अ लिम्बर्ड। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी अपने आप में सही है, बट ये इधर के लिए नहीं है। तो आपसे पूछा क्या था, ओके, नेल पिटाला सिंड्रोम इन ह्यूमन एंड सिंड्रोम इन माउस एग्जिबिटिंग फुटपैड ऑन बोथ डॉर्सल एंड वेंट्रल सरफेस ऑफ द लिम्बर्ड आर एसोसिएटेड विथ विच वन ऑफ द अबव मेंशन जीन फंक्शन। अच्छा, फाइन फाइन, यहाँ पे एक्चुअल में आपसे जीन फंक्शन पूछा है कि अगर हम पिटाला सिंड्रोम का केस बता रहे हैं ह्यूमन में, तो आप बताइए जो जीन नेल पिटाला के लिए रिस्पॉन्सिबल था उसका जीन का फंक्शन जो है क्या होगा करता है। तो एक ये केस हो जाएगा,
ठीक है, सोनिक है जो पोस्टीरियर में एक्सप्रेस करता है, बट दैट इज नॉट फॉर द नेल पिटाला सिंड्रोम रिलेटेड जीन, ठीक है, तो ये नहीं होगा। सी देखिए W27 है, ये सी भी सही हो जाएगा। तो मतलब देखा जाए तो ए सही है और सी सही है, बाकी जो स्टेटमेंट दिए हैं वो अपने आप में सही हैं, लेकिन वो डीवी एक्सेस या नेल पिटाला सिंड्रोम रिलेटेड जो जीन है उसके नॉर्मल फंक्शनलिटी को वो नहीं बताते हैं। तो अगर हम इस हिसाब से चलते हैं तो ए और सी हमारा सही हो जाएगा। तो आपने देखा इस क्वेश्चन को किस लेवल से घुमाया गया है, राइट? अगर आप क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते तो आप ये क्वेश्चन फॉर श्योर गलत करते, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पे दैट इज फोर्थ। हमें बस पूछा था मेंशन द जीन फंक्शन, जो जीन के गड़बड़ी के कारण नेल पिटाला सिंड्रोम हो रहा है उस जीन का हमको नॉर्मल फंक्शन पूछ दिया गया था, ए और सी। और अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन पढ़ पढ़ के बार बार पढ़ के भी समझ में नहीं आ रहा कि इसमें पूछा क्या गया है, तो आप देखेंगे तो बाकी तीन ऑप्शन एकदम ऑड है, किसी और एक्सेस से रिलेटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन है। सिर्फ दो ही ऑप्शन यहाँ पे डीवी एक्सेस से रिलेटेड है या नेल पिटाला सिंड्रोम रिलेटेड कुछ एरिया का क्वेश्चन है, राइट? तो यहाँ पे ऑड ऑप्शन एलिमिनेशन भी आप कर सकते थे, क्योंकि डीवी एक्सेस से रिलेटेड सिर्फ दो ही स्टेटमेंट है, बाकी सब स्टेटमेंट अलग अलग एक्सेस से रिलेटेड है। चलो अगला सवाल, यू विल बी गेटिंग 2 मिनट्स। घुमंतु क्वेश्चन था ये, अच्छा तो आप घूम गए। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीख लिया। नहीं, W27A को LMX1 नहीं बोलते हैं मनीषा जी, क्लास में आज समझाया था। W27A के द्वारा LMX1 जीन का एक्सप्रेशन किया जाता है, यानी W27A का जब सिग्नलिंग चलता है तो उसका रिजल्ट जो है LMX1B जीन का एक्सप्रेशन होता है, फिर LMX1B ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को कोड करता है, वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डॉर्सल रिलेटेड जीन का एक्टिवेशन करते हैं और वो जीन डॉर्सल फेट देते हैं। रिकॉर्डिंग देखिए मनीषा जी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चल रहा है, तो क्वेश्चन है, यस यू कैन आंसर नाउ। चलिए देखते हैं क्या बोला गया है। इन माइस द जीन इनकोडिंग TBX5 इज ट्रांसक्राइब्ड इन लिम्फ फील्ड ऑफ फोर लिम्ब, यानी TBX5 फोर लिम्ब बनाता है, ठीक है। While gene encoding the PIT-X1 are expressed in presumptive hind limb, ठीक है। Following statement are made about the limb development in mouse. Mouse में जो है limb development से related कुछ statement यहाँ पे बोला गया है, आपको बताना है correct statement। पहला, loss of TBX5 gene result in the complete failure of four limb formation. तो देखिए बोला है कि अगर TBX5 का लॉस हो गया तो कंप्लीट फेलियर हो जाएगा फोर लिम्ब डेवलपमेंट का, बिल्कुल सही, ट्रू। TBX4 और TBX5 के जो म्यूटेशन केसेस जितने सारे देखे थे ना, उनमें से ही 4 उठा के दे दिए इन्होंने और कुछ नहीं किया है। आप मैच करेंगे स्लाइड से पूरे मैच हो जाएंगे। नेक्स्ट, हाइंड लिम्ब बर्ड ग्रोथ एंड इनिशियल पैटर्निंग अपीयर नॉर्मल व्हेन TBX4 इज नॉक्ड आउट, यानी हाइंड लिम्ब बर्ड का ग्रोथ और इनिशियल पैटर्निंग एकदम ठीक हुई जब जो है TBX4 को नॉकआउट किया गया, ठीक है। हाइंड लिम्ब बन रहा है ना, तो TBX4 को जब आप नॉकआउट कर रहे हो तो हाइंड लिम्ब का ग्रोथ जो है एक तरीके से नॉर्मल हुआ, इनिशियल पैटर्निंग भी नॉर्मल हुई, लेकिन ऑल दो लेग डेवलपमेंट अरेस्टेड प्री मेच्योरली, लेकिन लेग का जो डेवलपमेंट है आगे चल के वो प्री मेच्योर तरीके से जो है अरेस्ट हो गया। तो देखा जाए तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ये हमने पढ़ा भी है, ट्रू। नेक्स्ट, मिस एक्सप्रेशन ऑफ PIT-X1 इन फोर लिम्ब सीजेस द डेवलपमेंट ऑफ मसल्स बोन्स एंड टेंडॉन,
जबकि ये क्या है, ये गलत हो गया स्टेटमेंट। फिर टेक्स्ट वन के मिस एक्सप्रेशन का ये केस हमने नहीं देखा था, अलग देखा था। नेक्स्ट, व्हेन इसलेट वन इज इनएक्टिवेटेड स्पेसिफिकली इन लेटरल प्लेट मेसोडर्म द हाइंड लिंब स्टिल डेवलप। नहीं, इसलेट वन के केस में हमने देखा था कि अगर इसको आपने हटा दिया तो इनिशिएशन जो था वही नहीं होगा, तो ये कैसे बोल रहा है कि लिम्ब डेवलप होगा, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो इस बेसिस पे चलते हैं तो हमको ए और बी ऑप्शन जो है फिलहाल में सही मिला है। आप चाहें तो नोट से क्रॉस चेक कर सकते हैं, ये सारे स्टेटमेंट आपको टीबीएक्स 4 और टीबीएक्स 5 का जो डिटेल स्लाइड है ना म्यूटेशन केस का, वहां आपको मिल जाएगा ये। अगला सवाल, यू विल बी गेटिंग 2 मिनट्स फॉर दिस क्वेश्चन। क्या बोला है, टीबीएक्स 4 एंड 5 आर क्रिटिकल इन स्पेसिफिकेशन ऑफ हाइंड लिम्ब एंड फोर लिम्ब रेस्पेक्टिवली। द फॉलोइंग स्टेटमेंट वेर मेड रिगार्डिंग द एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन ऑफ टीबीएक्स 4 एंड टीबीएक्स 5 जीन एंड देयर प्रोबेबल आउटकम। कुछ आउटकम भी बताए गए हैं। पहला, व्हेन द चिक एम्ब्रियो वॉज मेड टू एक्सप्रेस टीबीएक्स 4 थ्रू द फ्लैंक टिश्यू, limb induced in the anterior region often become leg instead of wings। एकदम सही बोला है। अगर आपको याद ना हो तो ये स्टेटमेंट हमने एज इट इज पढ़ा था। रुकिए मैं दिखाती हूँ आपको। आई थिंक जब काइमेरा हमने पढ़ा था उस वाली स्लाइड में हमने ये स्टेटमेंट पढ़ा था कि फ्लैंक एरिया में अगर हम ये एक्सप्रेस करवाते हैं, ये देखिए ये रहा स्टेटमेंट, ये रहा टीबीएक्स 4। अगर आप, व्हेन द चिक एम्ब्रियो वाज मेड टू एक्सप्रेस टीबीएक्स 4 थ्रू आउट द फ्लैंक टिश्यू, लिम्ब इंड्यूस्ड इन द इंटीरियर रीजन ऑफ फ्लैंक ऑफन बिकम द लेग इंस्टेड ऑफ विंग्स। अब ये स्टेटमेंट देखिए और ये जो क्वेश्चन वाला था ये स्टेटमेंट देखिए। पहला स्टेटमेंट देखिए, व्हेन द चिक एम्ब्रियो वाज मेड टू एक्सप्रेस टीबीएक्स 4 थ्रू आउट द फ्लैंक टिश्यू, लिम्ब इंड्यूस्ड इन द एंटीरियर रीजन ऑफन बिकम लेग इंस्टेड ऑफ विंग्स। पूरा एज इट इज स्टेटमेंट दिया गया है, राइट? तो ये क्या हो गया, ये ट्रू हो गया। नेक्स्ट, लॉस ऑफ टीबीएक्स 4 फंक्शन इन हाइंड लिम्ब फील्ड completely inhibit limb leg initiation and growth। TBX4 आपको पता है कि ये हाइंड लिम्ब के केस में काम करता है और TBX4 अपने आप एक्टिव होता है, उसके पीछे कोई और फैक्टर एक्टिवेट नहीं होता है, राइट? तो यहाँ पे वही बोला है कि TBX4 जब एक्टिवेट होगा, अगर उसका लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए तो कंप्लीटली हाइंड लिम्ब फील्ड जो है वो इनहिबिट हो जाएगा, वहां पे लेग का इनिशिएशन नहीं होगा और ना ही ग्रोथ होगा। देखा जाए तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट, लॉस ऑफ टीबीएक्स 5 जीन इन चिक में अगर टीबीएक्स 5 जीन का लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है, दिस विल रिजल्ट इनटू कंप्लीट फेलियर ऑफ फोर लिम्ब फॉर्मेशन विच इंक्लूड्स इवन द मोस्ट प्रॉक्सिमल शोल्डर एंड द ग्रेडल स्ट्रक्चर। यानी अगर चिक में टीबीएक्स 5 का लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है तो फोर लिम्ब का फॉर्मेशन जो है पूरा का पूरा फेल हो जाता है, जिसमें कि प्रॉक्सिमल एरिया का शोल्डर का फॉर्मेशन भी यहां तक की रुक जाता है। अब ये स्टेटमेंट देखा जाए तो ये स्टेटमेंट भी जो है यहाँ पे आपको पढ़ा के रखा है। टीबीएक्स 5 वाली स्लाइड पे चलते हैं। ओके, देखते हैं। यहाँ तो नहीं है। ये देखिए, ये जो इंपॉर्टेंट लाइन मैंने डाली थी, ये देखिए यहाँ पे बोला है लॉस ऑफ टीबीएक्स 5 जीन इन चिक माइस फिश। इन्होंने 3 केस दिया था, इसमें से एक केस पे उन्होंने क्वेश्चन बना दिया है। दिस विल रिजल्ट इनटू कंप्लीट फेलियर ऑफ फोर लिम्ब फॉर्मेशन दैट इंक्लूड इवन द मोस्ट प्रॉक्सिमल शोल्डर ग्रिडल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये केस हो गया, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो गया। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग केसेस में, यहाँ पे भी सवाल देखिए, मिस एक्सप्रेशन ऑफ पिटेक्स 1 पे भी अभी पुराना वाला सवाल पूछा गया था।
राइट तो इस तरीके से जो है आपसे वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है जो आपको पढ़ाए गए हैं, तो इस बेसिस पे चलते हैं तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो ए सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, इस हिसाब से चले तो फोर्थ स्टेटमेंट सही है। टीवीएक्स फोर को हटाएंगे फिर भी इनिशिएशन तो होगा ना, टीवीएक्स फोर को हटाएंगे तो इनिशिएशन होगा, मतलब रिवीजन नहीं चल रहा है, राइट ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं तो मतलब रिवीजन नहीं चल रहा है। ये देखिए यहां पे बोला गया है, चिक में अगर लॉस ऑफ टीवीएक्स फोर का फंक्शन हुआ, द हाइंड लिंब फील्ड कंप्लीटली इनहिबिट लेग इनिशिएशन एंड ग्रोथ। ये लो पूरा का पूरा स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट यहां मिल गया। इसको समझाते वक्त मैंने ये भी कहा था कि ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म म्यूटेशन के इफेक्ट में थोड़ा वेरिएशन देखने को मिलता है, और साथ ही साथ मैंने ये भी कहा था कि इसीलिए हमें प्री एज्यूम नहीं करना है कि ये म्यूटेट हो गया तो ये चीज नहीं बनेगी। चिक के केस में देखा गया कि टीवीएक्स फोर का अगर फंक्शन लॉस हो जाता है, लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है, तो कंप्लीटली हाइंड लिंब फील्ड जो है वो इनहिबिट हो जाएगा और लेग का इनिशिएशन और ग्रोथ नहीं होगा। ये लीजिए पूरा का पूरा लाइन यहीं पे मैच हो गया, यहीं से उठा के दिया गया है। बी कैसे सही है, बी में क्या बोला है, लॉस ऑफ टीवीएक्स फोर, यही तो बता रही हूं भाई। ये लो मतलब रिवीजन करके नहीं आया हो, सीधी सी बात है, ये जो पूछ रहे हो आप सवाल मतलब रिवीजन करके नहीं आया हो। ये लो ये वाला स्टेटमेंट एज इट इज कॉपी पेस्ट करके दिया गया है क्वेश्चन में, ये लो ये वाला स्टेटमेंट। ये समझाया भी है जब की क्लास में, फिर भी बोल रहे हो मैम ये कैसे हो गया, ये लो ये वाला स्टेटमेंट है ये जो दिया गया आपको क्वेश्चन में। एक मेंशन नहीं था तो, और आपने टीबीएक्स फाइव का लॉस ऑफ फंक्शन किसके केस में पढ़ा है, और कहीं पढ़ा है देख लीजिए, और तो कहीं आपको लॉस ऑफ फंक्शन पढ़ाया नहीं गया है टीबीएक्स फोर का। तो मैंने तो बोला ही था आपको चिक और माउस के केस में ही मैक्सिमम चीजें पढ़ाई गई हैं, और कहीं भी पढ़ाया है लॉस ऑफ फंक्शन? साफ साफ बोला था कि टीबीएक्स फोर जो है उसका रोल हाइंड लिंब के स्पेसिफिकेशन में डेफर करेगा बिटवीन चिक एंड माइस, ठीक है। माइस के केस में जो है यहां पर अलग केस है, और माइस के केस में यहाँ पे टीबीएक्स फोर का नॉकआउट देखा गया था, तो उसमें आपको अलग रिजल्ट देखने को मिला था, ऑल्दो इस चीज पे भी सवाल पूछा गया है जो अभी अभी हमने देखा था। इसलिए बोला था अच्छे से आपको इसको रिवाइज करना होगा, आप नहीं रिवाइज करेंगे तो ऐसी ही गलतियां होंगी, आपको लगेगा ये हो रहा है लेकिन रियलिटी में फैक्ट्स कुछ और है, कंसेप्ट कुछ और है। सृष्टि जी पता कीजिए रोल है या नहीं, ये काम आपका है, मैंने चैप्टर आपको पढ़ा दिया है, उसके बाद भी ये सवाल आ रहे हैं तो आप क्या कर रही हैं, रिवीजन नहीं कर रही हैं, सुन नहीं रही हैं क्लास में, तो फिर क्या कर रही हैं बताइए। चलिए अगला सवाल, इसलिए जो स्पेसिफिक चीजें हैं वो आपको क्लास में पढ़ाई जा रही हैं, जो नॉर्मल से डेविएट कर रही हैं वो भी बताई जा रही हैं। अब ये तो गलती होगी ना कि आप एज्यूम कर लो कि नहीं ये म्यूटेशन मतलब सब में एक ही जैसा रिजल्ट होगा, तो फिर आपको डिफर जो डिफर रिजल्ट है जो एकदम अलग रिजल्ट है वो क्यों बताया गया। आज ही आपने एक और एग्जांपल देखा सोनिक हेजॉग का केस, जिसमें कि सोनिक हेजॉग ग्लाई को नॉकआउट कर दिया जा रहा है, तो जनरली सोनिक हेजॉग नहीं रहने से पोस्टीरियर एक्सिस से लिम का डिजिट का फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन ग्लाई थ्री और सोनिक है जो कि नॉकआउट केस में एकदम अलग रिजल्ट मिल रहा था, बहुत सारे डिजिट बन जा रहे थे लेकिन उसको स्पेसिफाई स्पेसिफिकेशन नहीं मिल पा रहा था, उसको आइडेंटिटी नहीं मिल पा रही थी, तो वो एक यूनिक केस है जो नॉर्मल से डेविएट किया है। तो ऐसे यूनिक केसेस आपको याद रखने हैं ना, सेम केसेस याद मत रखिए लेकिन यूनिक तो याद रखिए, सेम केसेस आपके ऑलरेडी आपका दिमाग चल जाएगा उसमें आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन डेविएट केसेस यानी हमारी सोच से हटके जिसका रिजल्ट आया है उसको तो याद रखना पड़ेगा। पिछले वाले क्वेश्चन में तीनों स्टेटमेंट सही है, लॉस ऑफ फंक्शन का केस चिक में स्टडी किया गया है, माइस का केस अवेलेबल नहीं है उसके लिए, तो कैसे आपने माइस एज्यूम किया।
चलिए आंसर बताइए. बोला गया है फॉलोइंग फिगर शोज द अर्ली इंटरेक्शन बिटवीन द एईआर एंड द लिम्बर्ड मेसेनकाइम. द रेड लाइन विथ ब्लॉक हेड इंडिकेट रिप्रेशन व्हाइल द ब्लैक लाइन इंडिकेट द एक्टिवेशन. ये हमने आज ही पढ़ा है देखा जाए तो. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट आपको बताए गए हैं, आपको करेक्ट स्टेटमेंट को पिक करना है. हमने ये आज ही पढ़ा है तो हमको अच्छे से याद है, तो हमको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इस डायग्राम के. पहला स्टेटमेंट है व्हेन द लिम बर्ड ग्रो, जैसे ही लिम बर्ड बड़ा होता है सोनिक हेजहॉग बनता है और वो क्रिएट करता है एक नया सिग्नलिंग सेंटर दैट इंड्यूस पोस्टीरियर एंटीरियर पोलैरिटी. बिल्कुल सही, जब लिम बर्ड छोटा था तो वहां पे अलग पॉजिटिव लूप चल रहा था, FGF10 WNT FGF8 FGF10, ये वाला लूप चल रहा था जब छोटा लिम था. जब लिम बड़ा हुआ तो एक नया सेंटर क्रिएट हुआ जो था ZPA. ZPA से सोनिक हेजॉग रिलीज हुआ और उस सोनिक हेजॉग ने एक नया सिग्नलिंग सेंटर क्रिएट किया जो एपी एक्सिस डिसाइड करेगा. तो देखा जाए तो ये स्टेटमेंट एकदम सही बोला है, ट्रू बोला है. ए सही है, तो देखिए ए इधर है, इधर है, इधर नहीं है, इधर नहीं है. इसके हटते ही एक ऑप्शन और हट गया, वो था डी, क्योंकि डी हमें कोई ऑप्शन में अब मिल ही नहीं रहा है. क्या बोला है, रिप्रेशन ऑफ ग्रिमलिन सिंथेसिस हेल्प इन मेंटेनिंग द एईआर. बिल्कुल नहीं, उल्टा रिप्रेस कर दोगे आप ग्रिमलिन को तो एईआर भी जो है मेंटेन नहीं हो पाएगा. क्यों, क्योंकि एईआर को मेंटेन करने के लिए FGF8 चाहिए. FGF8 को एक्सप्रेस होने के लिए बीएमपी को इनहिबिट करना जरूरी है, बीएमपी को इनहिबिट करने के लिए ग्रिमलिन का एक्टिव होना जरूरी है और हम यहाँ पे उसी को रिप्रेस कर रहे हैं तो एईआर मेंटेन नहीं हो पाएगा अगर ऐसा हुआ तो. इन्होंने बोला है मेंटेन होगा तो डी हट गया. ठीक है, बी देखिए, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एफजीएफ राइज, जब एफजीएफ का कंसंट्रेशन राइज करता है इट कैन इनहिबिट ग्रिमलिन दस अलाउिंग बीएमपी टू बिगिन रिप्रेशन ऑफ एईआर एफजीएफ. बिल्कुल सही, ये कब होता है याद कीजिए, एट द एंड ऑफ लिम डेवलपमेंट, जब लिम डेवलप लिम बर्ड का ग्रोथ जो है रुकने वाला होता है तब होता है. जब एफजीएफ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो हमने बात की थी आज ही कि वो ग्रिमलिन को इनहिबिट कर सकता है. ग्रिमलिन को इनहिबिट करते ही क्या होगा, ग्रिमलिन जो है बीएमपी को आजाद कर देगा, बीएमपी फ्री हो जाएगा और बीएमपी फ्री होकर क्या करेगा, अब वो एईआर को रोकेगा, एफजीएफ को रोकेगा, सोनिक है जो कि सिग्नल बंद करेगा, मतलब सारे स्विच को ऑफ करेगा वो कि भाई काम हो गया अब अपने अपने घर जाओ. राइट, तो ये स्टेटमेंट देखा जाए तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ट्रू. नेक्स्ट, द एफजीएफ 4917 फ्रॉम एईआर इनहिबिट सोनिक हेजॉग टू स्टेबलाइज द ZPA. भाई एईआर जो है एईआर से ये रिलीज होके सोनिक हेजॉग को इनहिबिट करके ZPA को कैसे स्टेबलाइज कर सकते हैं, ZPA के स्टेबलाइजेशन के लिए सोनिक हेजॉग का एक्टिव रहना जरूरी है और इनका एक्टिविटी क्या करता है, सोनिक हेजॉग को इनहिबिट नहीं कर रहा है यहाँ पे. राइट, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया. तो यहाँ पे ए सही हो गया, बी सही हो गया, सो वी कैन गो विद द फर्स्ट ऑप्शन. ये हमने आज ही पढ़ा है.